दोस्तों, आपने वर्षों पुराना अवतार फिल्म का एक गाना सुना ही होगा कि दुनिया में कितना गम है। ये सिर्फ गीत नहीं है बल्कि जीवन की असली सच्चाई है। हमें हमेशा से ये शिकायत रहती है कि मुझ में किसी चीज की कमी है या मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति यह नहीं समझता कि यही लाइफ की सच्चाई है कि कोई इंसान कभी परिपूर्ण नहीं बन पाया है, उसमें कुछ न कुछ कमी जरूर रही है। कोई भी इंसान जन्म से ही सब कुछ लेकर नहीं आता या बिल्कुल संपूर्ण नहीं बन जाता। वह अपनी सोच और काबिलियत के दम पर खुद को संपूर्ण बनाने की कोशिश करता है। इसके गहराई में जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, किसी जंगल में एक पेड़ पर एक नवरंग पक्षी रहती थी जो बहुत ही सुंदर थी। जंगल में वो सबसे सुंदर थी, सभी पशु पक्षी उसे श्रेष्ठ मानते थे। जब भी कोई उसकी सुंदरता की तारीफ करता तो वो खुश हो जाती थी। वसंत का महीना था। एक दिन कोयल अपनी मधुर आवाज से सबके कानों को खुश कर रही थी। जब नवरंग के कानों में उसकी आवाज पड़ी तो उसकी सारी खुशी फीकी पड़ गई और उसे आभास हुआ कि बेशक उनके पंख सुंदर हैं, वह खूबसूरत है, लेकिन उसका आवाज उतनी अच्छी नहीं है। वह कोयल की तरह नहीं गा सकती। इस दुख में वह उदास होकर बैठी हुई थी कि तभी उसका एक दोस्त बंदर वहां आ पहुंचा। नवरंग ने अपनी सारी परेशानी बंदर को सुनाई। बंदर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम कितनी बेवकूफ हो, तुमने यह तो देखा कि तुम्हारे पास कोयल जैसी आवाज नहीं है, लेकिन क्या तुमने यह देखने की कोशिश की कि कोयल के पास तुम्हारे जैसी सुंदरता नहीं है? बंदर ने कहा, ईश्वर ने सभी को अलग अलग काम और उद्देश्य के लिए बनाया है और सभी को अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं दी है, इसलिए तुम्हें खुद की प्रतिभा को निखारना चाहिए और अपनी प्रतिभा पर गर्व करना चाहिए। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह समझ आता है कि भगवान ने सबको समान रूप, रंग, गुण, प्रतिभा नहीं दी, बल्कि सब तो हमारी आंखों का धोखा है कि दूसरों के पास हमसे ज्यादा काबिलियत है या दूसरे हमसे बेहतर हैं, और इसी तरह हम हमेशा खुद को कमतर आंकते जाते हैं, खुद की कमी ढूंढें। दोस्तों, ज्यादातर लोग दूसरों में ही कमियां ढूंढते रहते हैं, जिस कारण से वह खुद को कभी संपूर्ण नहीं बना पाते। अगर आपको सफल होना है तो पहले आपको खुद को परफेक्ट बनाना होगा, खुद में कमियां ढूंढनी होगी, आपको खुद की गलतियों को स्वीकारना होगा, तभी आप सफलता की राह पर खुद को खड़ा कर पाएंगे। अपनी कमजोरियों को अपना ताकत बनाइए। दोस्तों, हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है जिसकी वजह से वे खुद को जिंदगी की दौड़ में पीछे पाते हैं, लेकिन क्या वाकई में ऐसा होना चाहिए? नहीं ना। इस दुनिया में ऐसी बहुत सी आत्माओं का जन्म हुआ है जिनकी कमजोरी या जिंदगी के बारे में जानने पर हमारी कमजोरियां कहीं की नहीं रहेगी, लेकिन इतनी कमजोरियों के बावजूद वे अपने जीवन में कभी हार नहीं माने और सफल इंसानों की गिनती में आते हैं। ऐसे कुछ लोगों के नाम मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। सुधा चंद्रन जैसी होनहार डांसर को तो आप सभी जानते ही होंगे। वह बचपन से ही एक अच्छी डांसर थी, लेकिन जब वह 16 वर्ष की थी तो एक बस एक्सीडेंट में उसके पैर की हड्डी टूट गई थी और आर्टिफिशियल पैर लगाए गए। इसके बावजूद उसने अपना नृत्य जारी रखा और कभी हार नहीं मानी। वह संघर्ष करती गई, मुश्किलों का डट कर सामना किया और दिव्यांगता को कमजोर नहीं बनने दिया। उसने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर सफलता हासिल किया। आज वह सिर्फ एक अच्छी डांसर ही नहीं बल्कि एक अच्छी एक्ट्रेस भी है। उन्होंने कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम किया है। उनकी जीवनी पर एक फिल्म भी बनी थी जिसे सम्मानित भी किया गया। आज अगर सुधा चंद्रन अपनी कमजोरी को लेकर बैठ जाती तो वह कभी इस मुकाम पर नहीं पहुंचती। वॉल्ट डिज्नी। जब भी कार्टून वर्ल्ड की बात होती है तो वॉल्ट डिज्नी का नाम सबसे ऊपर आता है। इन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी थी। इनका कामयाबी का सफर आसान नहीं था। वे अपनी लाइफ में कुछ भी करने का सोचते और फेल हो जाते थे, लेकिन वॉल्ट ने अपनी फेलियर से हार नहीं मानी। उन्होंने कई बार अपना बिजनेस भी शुरू किया लेकिन उसमें बुरी तरह से फेल हो गए।
इनकी असफलताओं की तो गिनती नहीं की जा सकती। वे बड़ी कामयाबी चाहते थे, इसलिए अपनी डिसेबिलिटी को अपनी ताकत बनाई और अपने क्रिएटिव आइडियाज का प्रयोग करना नहीं छोड़ा। उनकी असफलता की कहानी बहुत भयावह है। ऐसा माना जाता है कि वो लगभग 300 या उससे अधिक बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और एक अलग ही इतिहास रच डाला। उनकी वॉल्ट डिज्नी कंपनी का कारोबार $35 अरब का है। वॉल्ट डिज्नी कहा करते थे, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट, अर्थात यदि आप सपना देख सकते हो तो आप इसे पूरा भी कर सकते हो। स्टीफन हॉकिंग जैसे मशहूर वैज्ञानिक ने विज्ञान के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनका जीवन प्रारंभ से ही बहुत कठिन रहा है। इन्हें एमियोट्रॉफिक लेटरल सेक्लेरोसिस नामक बीमारी थी, जिसमें शरीर के हिस्से धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन इन्होंने कभी अपनी इस कमजोरी को अपने सपनों के बीच आड़े आने नहीं दिया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। इसी कारण ये अपनी प्रतिभा को दिखा पाए और इतने आविष्कार किए जिनकी कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी। इन्होंने कहा है, अगर आप हमेशा नाराज रहेंगे एवं खुद को कोसते रहेंगे तो किसी के पास आपके लिए टाइम नहीं होगा। अरुणिमा सिन्हा, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने वाली पक्की मिसाल है अरुणिमा। अरुणिमा के साथ घटी घटना के बाद शायद ही कोई अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखने की हिम्मत कर पाए। उसे आधी रात में चलती ट्रेन से लूटने का प्रयास किया गया और जब लुटेरे उससे नहीं जीत पाए तो उसे चलती ट्रेन से ही फेंक दिया गया। इतना ही नहीं, उन्हें फेंकने के बाद पटरियों में उन्होंने अपना पैर भी गवा दिया। ऐसी घटना के बाद तो दोबारा अपनी जिंदगी में खड़ा हो पाने की कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन जब हौसले बुलंद हो तो बड़े से बड़े पहाड़ भी हमारे सपनों को छीन नहीं सकता, और अरुणिमा ने एवरेस्ट पर अपनी सफलता का परचम लहरा के यह सच कर दिखाया। दोस्तों, आज से लगभग एक महीने पहले मैंने अरुणिमा सिन्हा पर पूरी डिटेल्स में अपने चैनल पर वीडियो डाल चुका हूं। दोस्तों, कहा भी गया है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, ये कुछ ऐसे उदाहरण थे जो इतनी कमजोरियां होने के बावजूद जिंदगी की जंग खुशी खुशी लड़े और सफलता हासिल किए। कमजोरी चाहे जो भी हो, लेकिन अगर आप में कुछ बड़ा करने की जज्बा है तो आप जरूर सफल हो सकते हैं। अगर आप भी अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लेंगे और उन्हें कोसने के बजाय दूर करने की कोशिश करेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अंत में यही कहना चाहूंगा कि जीवन आसान नहीं होता, इसे आसान बनाना पड़ता है। धन्यवाद।